खैर अकबर, सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने की कोशिश में जुटी हुई है और इसके लिए कई ब्लॉक में 100 कोल्ड स्टोरेज बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री का निर्देश मिलते ही अधिकारी भी इसे अमली जामा पहनाने में जुट गए। कोल्ड स्टोरेज बनने से किसानों को उनकी फसल, फल और सब्जियों की उचित कीमत मिल सकेगी। किसानों के लिए 100 कोल्ड स्टोरेज, झारखंड में बढ़ेगी किसानों की आय, उचित कीमत पर ही बिकेगी फसल। झारखंड के मुखिया किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पहले अलग से कृषि बजट लाया और अब किसानों के लिए 100 प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराने का फैसला किया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री किसानों की आय बढ़ाकर उनके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। कई बार फसल खराब होने के डर से किसान उसे औने पौने दाम में बेच देते हैं, लेकिन अब कोल्ड स्टोरेज बनने से उन्हें अपनी उपज की वाजिब कीमत मिल सकेगी। बजट संगोष्ठी में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष में किसानों ने ये बात को रखा कि हमारे यहाँ जो सब्जियाँ होती हैं, फल होते हैं और विभिन्न प्रकार के जो खेत में उपज होते हैं, उसका प्रॉपर रख रखाव नहीं होने के चलते ये है सो सड़ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि जितने भी वैसे जिले जहां पर सब्जियों की खेती प्रचुर मात्रा में होती है, अब उन सब जगहों में छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएं। झारखंड की सब्जी बिहार, उड़ीसा, बंगाल और छत्तीसगढ़ यानी 4 प्रदेशों में सप्लाई होती है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज नहीं होने से किसानों को अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज जिसकी क्षमता 15 मीट्रिक टन तक होगी, उसे बनाने में लगभग 20 लाख रुपए की लागत आएगी। ये कोल्ड स्टोरेज सोलर और इलेक्ट्रिक दोनों से चलेगा। किसान भी रघुवर सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। तो सीतघर से यही फायदा है कि भाई वहाँ स्टोरेज रहेगा, ठंडा रहेगा, वो माल अगले दिन बिक जाएगा, है ना। फिर उसका जो मुआवजा है या तो पैसा जो उसका जो किलो हिसाब से जो भी बनता है उसका, जैसे 5 रुपये बेचता है अगले दिन उसको 10 रुपये के जी बेचेगा। कोल्ड स्टोरेज जब बनेगा ना तो उसमें सब्जी को हिफाजत रहेगा। मैंने आज हम तोड़े बिक्री नहीं हुआ तो उसको रखेगा तो हिफाजत से रहेगा, यानी खराब वाला होने वाला सामान नहीं खराब होगा, अच्छा से सुरक्षित रहेगा। पहले फेज में 100 ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में मुख्यमंत्री की ये दूरदर्शी सोच दर्शाती है। आम आदमी की भागीदारी से बजट निर्माण इसी दिशा में एक कदम है। मुख्यमंत्री मानते हैं कि जब तक सभी वर्गों का विकास नहीं होगा, तब तक झारखंड का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।